यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, तुम्हें तो गेस्ट हाउस में बुलाया था। ये गन अपने पास ही रखो, अगर कोई तुम्हारे नजदीक आया तो शूट कर। ए, ए, उसे गन काय को दे रहा है? इसी लड़की के चक्कर में तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को उठा लिया था। इस लड़की को जाने दो। क्या? इस लड़की को छोड़ दो वासु। क्या ये भी तेरी गर्लफ्रेंड है? इसे कुछ हुआ तो मेरी लव लाइफ में प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम्हारी तो लव लाइफ में प्रॉब्लम होगी, अगर इसे छोड़ा तो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम हो जाएगी। पकड़ो, देख क्या रहे हो। मैंने कहा ना, इस लड़की को हाथ मत लगाना। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। अब इस कहानी में एक ट्विस्ट आया। अच्छा, ए, आप उनके फार्म हाउस में चार पालतू कुत्ते, उन्हें मैं बिस्किट खिलाता हूँ और तुमको पैसे, बस इतना ही फर्क है। और तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मुझसे सवाल कर रहा है? ये कहकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कहा था ना, मेरा ईगो वाईफाई की तरह मेरे चारों ओर फैला होता है। अब वाईफाई ऑन हो गया है। वाईफाई ऑन है, कनेक्शन काट। यूजर नेम दया, पासवर्ड पुलिस पुलिस पुलिस। हिम्मत है तो मेरे कवरेज एरिया में आके दिखा। हम लोग तो भाई थे ना। ना तू कभी मेरा भाई था, ना तू कभी मेरा भाई बनेगा। तू विलन है और मैं हीरो। मैं बता रहा, तुम्हारी पोस्टिंग मैंने यहाँ करवाई थी। जानता हूँ, क्योंकि तू चाहता था कोई कुत्ता आकर तेरे दल में जाए। इंस्पेक्टर दया बात कर रहे हैं, कान खोलकर सुन लो। तेरा काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये शहर तो यहीं रहेगा, लेकिन अब उसमें कोई वासु नहीं रहेगा। आज से तेरी हर हरकत पर मेरी नजर रहेगी। तेरी नींद हराम कर दूंगा, एक बुरा सपना बनकर डराऊंगा मैं। मुझसे लड़ेगा तू? लड़ाई तो तब कहलाएगी जब 100 लोग मिलकर मुझ पर वार करेंगे। तू अकेला आएगा तो गाड़ के रख देगा दया तुझे, गाड़ के। इन बातों का कोई फायदा नहीं, वो सीडी खो चुकी है। इसीलिए दीप्ति को न्याय दिलाने के लिए और असली गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए दया ने इल्जाम अपने सर ले लिया। इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो गया? मेरे पास उस सीडी की एक और कॉपी है। आप ये क्या कह रही हैं? हाँ, मेरे पास एक और कॉपी है। अभी अभी हमें इस केस से जुड़ी एक नई जानकारी मिली है। दीप्ति की बहन न्यूयॉर्क से हमें कुछ बताना चाहती है। सबसे पहले इस फांसी को रुकवाना होगा। दया इस क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है। मेरी बहन को उन चार भाइयों ने मारा। मेरे पास उसकी सीडी है। प्लीज इस फांसी को रुकवाइए, प्लीज।
जो भी हो रहा है वो सही नहीं है। प्लीज मेरे भैया को बचा लीजिए। उन्होंने जानबूझकर अपने सिर पर ये इल्जाम लिया। जज साहब, बाहर आइए जज साहब। सर, सर। दया, हमें तुम्हारी फांसी रोकने के ऑर्डर्स मिले हैं। तुमने ये गुनाह नहीं किया। टीवी चैनल्स पर वो सीडी दिखाई जा रही है। सीडी के बारे में मैं कुछ नहीं जानना चाहता। मुझे इतना बताइए, सिर्फ मेरी फांसी रुकी है या इनकी भी? सिर्फ तुम्हारी। यानी इसे छोड़कर सिर्फ हमें फांसी मिलेगी? सर, इन भाइयों ने उस लड़की को 40 दिन तक नर्क में रखा। इन्हें 2 मिनट में मार कर सुकून की मौत मत दीजिए। मेरे हाथ 10 मिनट के लिए खोल दीजिए, मैं सजा दूंगा इन्हें। क्या कह रहे हो सर? वैसे भी आप इन्हें फांसी पर लटकाने वाले हैं, उससे पहले मुझे इनके साथ बस 10 मिनट चाहिए। छोड़ दो मुझे, साले को जान से मार दूंगा। कमीने, तुझे मार डालूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं। क्या सोच रहे हैं आप? यही कि इसका अंजाम क्या होगा? कुछ मत लिखिए रजिस्टर में। ना इसने गोली मारी, ना पुलिस वाला जख्मी हुआ, ना आपने मेरे हाथ खोले, कुछ नहीं। ये बात इन 4 दीवारों के अंदर ही रहेगी। मेरे हाथ खोल दीजिए सर, मैं आपसे सिर्फ 10 मिनट मांग रहा हूँ, उससे 1 मिनट भी ज्यादा नहीं लूंगा। इन्हें सबक सिखाने के लिए उतना वक्त काफी है। खोलिए। रुको साला, मैं आ रहा हूँ। खोलिए सर, खोलिए। Let's go.
सर अब भी 6 मिनट बाकी हैं। अगर इस जेल में और ऐसे हैवान हो तो ले आइए उन्हें। दीप्ति का बलात्कार करने वाले चारों अपराधियों को 10 मिनट पहले विशाखापट्टनम की जेल में फांसी पर लटका दिया गया है और न्याय की खातिर अपना बलिदान देने वाले एसआई दया को रिहा कर दिया गया है।